Welcome to the first episode of Earth and Digestive Recipe. आज हम बनाने वाले हैं special noodles और आपको बताएंगे इसकी recipe कैसे बना सकते हैं। पहले हम जाके noodles ले आते हैं। चलिए चलिए। मैगी बनाना शुरू करते हैं। देखिए हम लोग को चाहिए, तो अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। देखिए आपको चाहिए, हम लोग ने तो 3 पैकेट लिया, आपको जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। और आपको चाहिए है चॉप्ड टमाटोस, चॉप्ड ऑनियंस और देखिए ये सब मसाले, देखिए जैसे हल्दी मिर्ची ये मसाले और ये नमक, नमक स्वाद अनुसार ही चाहिए। सबसे पहले आप एक पैन ले लें। पहले तो हम अपन गैस ऑन कर लेते हैं, पर लेकिन किसी बड़े से छोटे से नहीं, इसमें हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे। हम अपने तेल लिए, जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें चॉप्ड ऑनियंस डालें। अब लगता है तेल गरम हो चुका है, चलो डालो। आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया है। टमाटो हम बाद में डालेंगे, पहले हम ऑनियन फ्राई कर लेते हैं। चलो मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा प्याज चलाना है, आपको इस तरह से ऐसे प्याज चलाना है। देखिए हल्के से, वरना इस पे तेल आपको चट भी सकता है। ध्यान 5 मिनट तक ऐसे ही करना है आपको। जब ये थोड़ी पिंकिश हो जाए तो हम लोग डालेंगे इसमें टोमेटो। देखिए वैसे आप फिर हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। आप अपने हिसाब से रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं। हम इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। अब आगे का काम आदि करेगा। आपको मैगी में जितने पैकेट में मसाले मिलेंगे आप उतने ही डाल दीजिए। हमने 3 पैकेट लाए, जितना 3 डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स करिए आप। जब तक आदि मिक्स कर रहे हैं तब तक हम पैकेट से मैगी निकाल देते हैं। अब इसमें हम एक ग्लास पानी डालें, ज्यादा भी चूखी नहीं करना है अपन को। कुछ इस तरह डाल दें आप, क्योंकि बॉईल आएगा जब तक हम इसको छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं हमने मैगी पैकेट से मैगी निकाल ली। तो मेरा भाई ने कहा था कि ये एक बॉईल आने तक इसको रखना है, तो ये बॉईल हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसमें नूडल्स डालें। आप एक साथ तोड़ के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। इसमें आपको जो और पानी की जरूरत है तो मैं लेके आता हूँ। चलिए जब तक मैं इसको थोड़ा फ्लेम एकदम
लो रखना है। समय इतने पानी डालना चाहिए। अब मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए जब तक आप इसे करते रहिए ऐसे ही है। थोड़ी देर के बाद मीडियम फ्लेम में करो। करते रहे। देख सकते हैं मैगी बहुत टेस्टी दिख रही है। आपकी चॉइस आपको डालना है नहीं डालना। आपको आधा ढक्कन लेना है। फिर इसमें ऐसा मिला, फिर अच्छे से मिलाएं। जिस तरह आप देख सकते हैं मैगी बिल्कुल तैयार है। अब देखिए आप इसमें नमक डाल दीजिए। ये मैगी बन चुकी है। अब इसे सर्व करें और खा लें। अब हमने देखना है द ओवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और अपने फैमिली को शेयर कीजिए। ओके बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो।